देश भर का पेट भरने वाला किसान अपनी आने वाली फसल के लिए और अपना पेट भरने की चिंता में डूबा हुआ है। उमरिया जिले की यूरिया हेतु बनाई गई सरकारी गोदाम आज डेढ़ माह से खाली पड़ी है, जिसके कारण किसान अब अधिक मूल्य में खुले बाजार से यूरिया खरीदने के लिए मजबूर है। वहीं किसानों की माने तो समय पर खरीफ की फसल को खाद नहीं मिली तो फसल चौपट हो जाएगी। खेती किसानी में ये सर की खाद नहीं मिल पा रहा सोसाइटी से, हम लोग बाजार से खरीद खरीद के तब फिर बोते वो करते हैं, और नहीं बोते तो फिर हमारी पूरी फसल चली जा रही है एक महीने से। हम जाके वहाँ भी पूछे नया बस स्टैंड में और वो तिराहा में, तो वहीं भी नहीं मिली, तब फिर आके फिर बाज़ार से लिए 390-380 रुपया। खेती में यह खाद आदि मिल नहीं रहा है, और मार्केट में जैसे पहले रहा कि 250 रुपये रहा, 270 रुपये बोल रहा है मतलब सोसाइटी में, और यहाँ मार्केट में है तो 350-400 रुपये बोरी दे रहे हैं, और खाद मिल भी नहीं रहा है, और धान सब सूख रही है, तो अब क्या किया जाए। खेती करने का कोई फिर मतलब नहीं निकलेगा अपना, सोसाइटी में जाएँ तो बस लाइन लगाना पड़ता है, आज नहीं कल परसों एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद, यही वहाँ भी से आदमी वापस आ जाता है, मिल नहीं पाता। जिले में हो रही यूरिया की कालाबाजारी के कारण जिले भर के किसान परेशान हैं। कहीं बारिश ना होने से फसलें सूख रही हैं, तो कहीं यूरिया खाद ना मिलने से फसलें जस की तस बनी हुई हैं। किसानों की समस्या का समाधान करने की बजाय जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, जबकि किसानों का मसीहा बनकर समस्या हल करने वाले नेता अपनी सरकार को किसानों का हितेशी बताने में नहीं चूक रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी का नेतृत्व विशुद्धतम किसान हितैषी नेतृत्व रहा है। किसान की जो भी अपेक्षाएं हम उनको पूरी करेंगे। यूरिया की जहां तक बात आ रही है, कमी की जैसी जानकारी लगी माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हुई है, और तुरंत में उसकी पूर्ति भी की जाएगी, उस बात की किसान कतई चिंता न करें। और दूसरा विषय, पहले जो कालाबाजारी होती थी उसमें नीम कोटेड यूरिया जो माननीय मोदी जी ने लाकर और देश को एक नई सौगात दी है, और जो कालाबाजारी थी उस कालाबाजारी पर रोक लगाकर यदि यूरिया की किसी ने जमाखोरी की है उस पर भी हम सख्ती से संगठन के माध्यम से आपके माध्यम से जहां भी जानकारी लगेगी उन सब पर भी कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन किसान को उसका वाजिब हक दिलाया जाएगा, उसको यूरिया के कारण उसकी फसल में कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। एक तरफ सरकारें ये कहती नहीं थकती कि किसानों की हर समस्या का हल कर दिया गया है, ना यूरिया की कमी होगी ना ही अन्न बेचने में परेशानी होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, जिससे ये कहना लाजमी होगा कि घोषणाएं तो जमकर हुई पर अमल रत्ती भर नहीं हुआ।